हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चकली का आटा कैसे बनाते हैं। देखेंगे किस तरह से बनाएंगे। देखिए, हम चकली का आटा बनाने के लिए क्या चीज सामग्री चाहिए हमको। हमें चावल चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, और ये मार्केट में भुना चना दाल आती है, जो भुने चने मिलते हैं उसकी दाल बनाई हुई होती है, तो वो ले लें। इसकी मात्रा कैसे लेंगे, 1 किलो चावल हैं तो आधा किलो उड़द की दाल लें और 250 ग्राम ये भुना चना दाल। तो या आप अपने आवश्यकता अनुसार इसकी मात्रा कर सकती हैं। आधा किलो चावल लेंगी तो 250 ग्राम उड़द दाल लेंगी, उससे कम भुना चना दाल लेंगी। तो हम इसको किस तरह से धोएंगे, क्योंकि इसमें पाउडर होता है तो हमें धोना भी ज़रूरी है। तो हम इसको धोएंगे कैसे, देखिए। ये देखें, छलनी में इस तरह से चावल को रख लेंगे और नल के नीचे हम इसको धोएंगे। ज़्यादा गलाएंगे नहीं इसको, हम जल्दी से धो लेंगे 2-3 पानी से। बस देखिए, ये अच्छे से धुल रहा है। ये देखिए, पानी निथार देंगे और इसको फैला के सुखा देंगे। इसी तरह हम उड़द की दाल को भी धो लेंगे। उड़द की दाल और ये अलग अलग धो के सुखाएं, नहीं तो ये चिपक जाएगी उड़द दाल। और इसको सुखाते समय हाथ फेरते रहें, 1-1.5 घंटे में आराम से धूप में सूख जाएगी। पानी निथार लें अच्छे से और धूप में सुखाएं इसको, और हाथ फेरते रहें, नहीं तो ये चिपक जाएगी। धूप में भी 2-4 बार हाथ फेर दें जाकर। और चने की दाल नहीं धोएंगे हम, भुने चने की दाल। इस तरह से फैला के सुखा लें, 1-2 घंटे में आराम से सूख जाएगी। दाल चावल धो ली हैं इसके, चकली के। अब हम इसको धूप में सुखा देंगे। देखिए, हमने चावल धो के सुखाए थे, ये इस तरह से सूख जाएंगे। दाल भी सुखाई थी, ये भी सूख जाएगी। अब हम इनको भूनेंगे। और ये चने की भुनी हुई दाल को नहीं धोया था हमने, इसको खाली हम हल्का सा भूनेंगे ताकि चक्की में पिसवाएं तो ये नमी नहीं रहे इसमें, वो चिपके नहीं चक्की में, इसलिए इसको भी थोड़ा सा हल्का सा भुनेंगे। देखेंगे किस तरह से भुनना है। ये देखें, इसको चावलों को भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए, चावल हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा इसका, और भिनी भिनी सी खुशबू आ जाएगी इसमें, तो समझे भुन जाएगा ये। तो हम इसको अलग निकाल लेंगे और उड़द दाल भून लेंगे। कम से कम इसमें 4 से 5 मिनट लगेगा भुनने में। बंद कर दें, भुन गया। देखिए, हल्का कलर चेंज हुआ है। इसको निकाल लेंगे। ये देखें, इसको भी हल्का कलर चेंज हो, तब तक भुनेंगे हम। ये जल्दी भुनेंगे, चलाते रहें, तेज आंच पर भी भून सकते हैं।
बस चलाते रहें जले में। ये देखिए खुशबू आने लगी है भुनने की, तो कलर भी चेंज होने लग गया है। बंद कर देंगे कि कढ़ाई गर्म है तो चलाते रहें, थोड़ा उसी में भूनते रहें। ये देखें इसको भी भून लेंगे हम हल्का सा। चकली वैसे कई तरह से बनती है, आटे की भी बनती है, कई दालों से मिलके भी बनती है, लेकिन हम यहाँ तीन चीज़ें यूज कर रहे हैं, चावल, उड़द की दाल और भुने चने की दाल। अच्छी सॉफ्ट बनती है ये। अगला वीडियो में चकली का बताऊंगी कैसे बनाते हैं। बस देखिए भुन गई है। ये देखिए चकली का आटा हमने पिसवा लिया है चक्की से, आप भी पिसवा लें। और अब मैं आपको इसकी चकली बनाना सिखाऊंगी अगले वीडियो में।